और वो सिंगल हैंड से इतना खतरनाक ब्लॉक हुआ, मुझे तो थोड़ी सी शर्म आ गई। सुबह मेरा और अभिजीत का कंट्रीब्यूशन कभी मत भूलना, अगर हम लोग अच्छा फर्स्ट पास नहीं दिए होते तो तुम्हारे दो अवार्ड वैसे ही चले गए थे। दिनेश वॉज ए गुड ब्लॉकर, इवन अमीर सिंह वॉज देयर। अपनीश भाई कैसे हो, लॉन्ग टाइम। वैसे बिल्कुल ई मीट है हमारी ये बेसिकली। डेफिनेटली डेफिनेटली। और कैसा चल रहा है? अच्छी बात, फैमिली ठीक है? फैमिली इज ओके, लॉकडाउन इज गोइंग ऑन, बस हम लोग वेट कर रहे हैं सेटल डाउन हो जाए सिचुएशन। एंड हाउ इज असम? होप फॉर द बेस्ट। असम कैसा? असम इज गुड, असम तो कंपैरेटिवली बेटर है बेस्ट ऑफ द पार्ट्स से। ओके, और बताइए यार, अभी तो यू वर टेलिंग मी दैट आपका ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है दबा के। हाँ जी हाँ जी, अभी वो साई और बीएफआई का एक ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुआ है जस्ट, तो इट इज गुड कि हम लोग तो इंडियन कोचेस जो हैं उसके थ्रू जा रहे हैं अभी तो। हाँ, मजा आ रहा है? हाँ, इंफॉर्मेशन तो है, काफी अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं, डिफरेंट फील्ड से भी हैं, कुछ कोचिंग में हैं, कुछ टीचिंग में भी हैं, वो लोग भी आ रहे हैं, कुछ एक्सपीरियंस कोचेस हैं, अच्छा लग रहा है। बट यू आर ऑल टाइम ग्रेट साइंटिस्ट यार, मतलब राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड व्हेन वी स्टार्टेड प्लेइंग, जब हमने खेलना शुरू किया था तो अमीश यादव लाइक वाज एन आउटस्टैंडिंग प्लेयर, बट सब ये सोचते थे यार इसका व्हाट इज द सीक्रेट, अमीश यादव की सीक्रेट क्या, ये साइंटिस्ट है, पानी भी इतना पीता है हिसाब से, खाना भी इतना खाएगा। रूमर था यार, दैट वाज द रियलिटी। एक्चुअली द थिंग इज दैट आशीष ना, कि आप अपना बॉडी से ही आप एजुकेशन तो करते ही हैं, आप जब आप लॉन्ग टाइम अच्छे लेवल पे खेलते हैं तो आप अपनी बॉडी के साथ रिसर्च करते हैं कि आपको किस समय क्या चाहिए, आपकी बॉडी आपको बताती है एग्जैक्टली कि अब आपको कब खाना है, कब आपको पीना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो वो मेरा एक्सपीरियंस था जब मैं स्टार्टिंग में भी था, खेलता था, आप लोगों के साथ भी खेला, तो इट वॉज लाइक दैट। अभी भी मोरओवर एक्सपीरियंस ही काम चलता है, बट हर आदमी को करना चाहिए। टू मच ऑफ कंट्रोल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, इट्स रियली डिफिकल्ट, कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है, यू नो बेटर, क्योंकि हम लोग अपोनेंट में भी खेले हैं, बहुत सारे मैचेस खेले हैं, एंड दैट टाइम वी आर गुड टीम्स, दोनों टीम हम लोग यूनिवर्सिटी लेवल में बहुत अच्छी टीम थी दोनों। तो हाउ डिफिकल्ट इज कोचिंग खेलने के? अब तो ये लगता होगा जब आप कोचिंग देते हो या यू आर एज अ कोच ऑफ द टीम, यार खेलने वाले दिन बढ़िया थे यार, वो टेंशन नहीं थी कि 12 प्लेयरों की टेंशन मेरे को नहीं पालनी जी, आई हैव टू परफॉर्म। अभी क्या कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई है। बिल्कुल डेफिनेटली आशीष, ये तो जब हम लोग कोचिंग स्टार्ट किए तभी पता लगा कि जब हम लोग खेल रहे थे तो केवल एक आदमी के ऊपर कंसंट्रेट करना था, वो अपने आप की बॉडी थी। अभी आप देखो कि जितने लोग आपकी टीम में हैं, जो अंदर हैं, जो बाहर हैं, जो प्लेइंग मेंबर हैं, आपका सपोर्ट स्टाफ है, अपोनेंट टीम है, क्या वेदर है, क्या कंडीशन है, सब चीजों का आपको ध्यान रखना। तो कोचिंग में आने के बाद तो यू हैव टू बी मोर डेडिकेटेड, मोर सिंसियर, यू डोंट हैव टाइम फॉर योरसेल्फ, आपको सब वॉलीबॉल के लिए करना है। आई वुड से कि यू हैव प्लेड एट द टॉप लेवल वेयर इंडियन वॉलीबॉल प्लेयर कैन प्ले, आप उस लेवल पे खेले हो, एशियन लेवल है, उससे ऊपर हम लोग नहीं जा पाए अभी तक, रिसेंट पास्ट में ओलंपिक्स तक नहीं जा पाए ना वर्ल्ड चैंपियन, यू हैव प्लेड, सो कंसिडरिंग योर क्वालिफिकेशन, योर डिसिप्लिन, योर एक्सपीरियंस यार, आपको मतलब आई वुड लव टू एंड आई विल मोर देन हैप्पी टू सी यू एट अ डिफरेंट लेवल, यू नो योर कॉन्ट्रीब्यूशन शुड नॉट बी ओनली 9x18 के अंदर नहीं, बल्कि इंडियन वॉलीबॉल की स्ट्रैटेजी प्लानिंग में और साइंटिफिक सपोर्ट में, सो नो वन इज इवन क्लोजर टू यू इन टर्म्स ऑफ द लेवल यू प्लेड एंड योर क्वालिफिकेशन एंड योर एक्सपीरियंस एंड योर इंस्टीट्यूट ऑब्वियसली फ्रॉम वेयर यू पास। या डेफिनेटली डेफिनेटली आशीष, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ और अभी काफ़ी एजुकेशन बचा हुआ है टू गो फर्दर, जो मेरे लेवल कोचेस बचे हैं, जो लेवल कोचेस कोर्स बचे हुए हैं उनको भी मैंने पूरा करना है, और अभी तो एजुकेशन काफ़ी बची हुई है, इसको भी लेना है, और मुझे लगता है कि जो टॉप लेवल कोचेस के लेवल में पहुँचने के लिए आई हैव लॉट ऑफ टाइम, मुझे अभी थोड़ा सा समय लगेगा, जो मैं मानता हूँ कि अभी एक्सपीरियंस। करेक्ट, मैं ना सुबह से भी बात कर रहा था, मैंने कहा यार with your achievements and experience and mostly like the communication skill that is more important. So exactly 4-5 years down the line mujhe badi khushi hogi yaar, aur hamari country ko bhi
कि यू आर गोइंग एज अ FIVB ट्रेंड इंस्ट्रक्टर्स लाइक फॉर एनी आई मीन थिंग रिलेटेड टू वॉलीबॉल लाइक सुबा इज टेकिंग अ यू नो ब्लॉकर्स क्लिनिक समवेयर इन अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया यू आर टेकिंग क्लास ऑन वॉलीबॉल इन स्पोर्ट्स साइंसेज और लाइक काउंटर अटैक तो मेरे को बड़ी खुशी होगी यार और इवन लाइक एवरी वॉलीबॉलर डेफिनेटली होगा डेफिनेटली वी विल वेट अभी तो हम लोग जस्ट एंट्री किए हैं इनटू कोचिंग एंड ऑल ऑफिशियली काफी लॉन्ग करियर रहा है हम लोग का वॉलीबॉल का और वी हैव जस्ट स्टार्टेड एट ऑफिशियल्स इन क्लब टीम लेट्स सी फ्यूचर में अच्छा होना चाहिए यार एक चीज है वैसे लाइक यू एंड स्पेशली जितेंद्र सो आई वुड रेट यू एज अ काइंड ऑफ यू नो बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन आपकी टीम में रहता है बट आप बड़े लो प्रोफाइल बनकर रहते हो टीम में सो यू डोंट वांट कि लाइमलाइट आपको मिल जाए कि इवन इवन इफ यू हैव स्कोर्ड द बेस्ट बट वो होता ना जैसे आपकी टीम में यू वर ऑलवेज यू नो बार अभिजीत वाज काइंड ऑफ दे वर बिग स्टार्स सो दे वर लाइक कलीग्स बट सिंस उनका एक अलग ऑरा था लेकिन जैसे आप और जीतू हो गए सो इफ आई टॉक अबाउट हरियाणा एंड उत्तराखंड तो आप साइलेंट वर्कर्स थे बेसिकली चुपचाप से अपना काम करते थे अगले मैच की तैयारी अगले टूर्नामेंट की तैयारी एक्चुअली दैट डिपेंड्स आशीष की वो प्लेइंग पोजीशंस के ऊपर डिपेंड करता बेसिकली आई वाज ए यूनिवर्सल टर्न्ड अटैकर मैं इंडियन टीम में भी पहले यूनिवर्सल खेला यू नो दैट और फिर मैं जब ONGC ज्वाइन किया तो मैं एज ए अटैकर शुरू किया मैंने तो इंडियन टीम में भी बाद में इंडियन फर्स्ट सिक्स में भी मैं खेला अटैकर में इट वाज ए बेसिकली आई टेल यू वाज ए रिसीवर अटैकर तो वो कंट्रीब्यूशन रिसीव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा था रिसेप्शन तो रिसेप्शन में तो नो डाउट हम लोग थोड़ा सा कर लिए अच्छा काम हिंदुस्तान में भी और फॉरेन में भी आप लोगों को पता भी होगा इट वाज गुड लेकिन रिसीविंग अटैकर्स का काम ही वही है कि आप टीम को सपोर्ट करें दे ऑल नो दैट सभी लोग को पता भी है तो कमिंग बैक टू लाइक इंडियन वॉलीबॉल तो आपने खेलना कैसे शुरू किया सो द प्लेस you are from basically near Agra jahan par volleyball I guess is not that popular is it not at all to aap kaise it was a story actually basically Asis, I was a scholar wahan pe Lucknow mein gaya tha Colvin Tarundas college mein padhne ke liye so I was a boarding school student to wahan par main just as a scholar gaya tha to wahan ka ek psych ka center bhi tha usi school mein to thoda sa time milta tha sham ko I used to play with them उनके साथ खेलते खेलते विद इन ईयर और टू थोड़ा सा मैं बेटर हो गया और उसके बाद यूपी मिनी टीम में सेलेक्ट हो गया तो जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर तो जो मिनी टीम में आया फिर जूनियर टीम में आया फिर उसके बाद मैं सीनियर टीम में आया यूपी की फिर स्कूल इंडिया स्कूल यूपी टीम में आया स्कूल में गोल्ड मेडल लिए हम लोगों ने पटियाला नेशनल्स में तो इट वॉज लाइक दैट स्टार्टेड फ्रॉम देयर बट द मेन डिफरेंस वॉज फ्रॉम LNIP व्हेन आई जॉइंड इन 1996 में जब मैंने ज्वाइन किया वहां से मेरे को लगा कि यहाँ एक डिफरेंस आया है बॉडी में और गेम में फिर 97 से मुझे इंडियन टीम मिला जूनियर टीम इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर प्लेड फॉर अराउंड 20 इयर्स यू नो दैट एंड गुड थिंग इज आपके कलीग्स बहुत अच्छे रहे द डे यू जॉइंड ONGC सो यू अभिजीत एंड अविनेश तो आप तीन पिलर्स थे अपनी टीम के जिसकी वजह से डेफिनेटली बहुत अच्छी टीम बन गई थी उस समय तो इट वाज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स की जो हम लोग एक साथ इंडियन टीम में भी काफी प्लेयर्स थे उस समय हमारी जो ONGC वॉलीबॉल टीम की थी और हम लोग काफी साल खेले भी एक साथ होके सो एनी टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर नेशनल ऑब्वियसली आई गेस चौटाला इज गोइंग टू बी द बेस्ट फॉर यू द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टिल डेट एंड द बेस्ट फॉर यू या डेफिनेटली वो भी था चौटाला वाज गुड वी वन गोल्ड मेडल और एक हमारा नेशनल गेम्स भी था जो लुधियाना में हुआ था 2001 तब यूपी से खेला वाज आल्सो बिल्कुल आई वाज द कैप्टन ऑफ यूपी टीम दैट टाइम इट वाज अ गुड टीम वो बहुत अच्छी टीम थी यूपी की और जी आप अभिजीत सुधीर और अभिजीत मायसेल्फ बलवान सुधीर सुबा एंड अश्वनी भदौरिया इट वाज अ गुड टीम रियली यार करेक्टर्स है सारे एक से एक व्हेन यू सो डेफिनेटली स्कूल नेशनल्स तो उस स्कूल में बहुत प्लेयर्स दिए हैं बेसिकली आप थे और उसमें निकला था भदौरिया उसमें निकला था बलवान उसमें निकला था अभिजीत और हाँ
और ऑब्वियसली द लेजेंडरी बल्लू फ्रॉम सीआरबी. हां बल्लू, बल्लू फ्रॉम चंडीगढ़ नेशनल ना आपके. चंडीगढ़ नेशनल, चंडीगढ़ नेशनल के बारे में. हां राइट, 94 यूपी वन द गोल्ड मेडल दैट टाइम राइट. पंजाब से? ना ना पंजाब नॉट, यूपी वन द गोल्ड मेडल. नहीं पंजाब से जीते थे आप. पंजाब से फाइनल था राइट. सो बड़े करेक्टर होते हैं यार, मतलब हमारे नॉर्थ की टीम्स में गुड एंटरटेनर्स, वन लाइनर जो हो जाते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम आपका स्कूल डे से तो बल्लू वाज लाइक दिस ओनली फ्रॉम द स्टार्टिंग और अभी आके बदल गया वो? स्टार्टिंग से वो डिफरेंट कैरेक्टर है, यू नो दैट ऑलरेडी. वो स्टार्टिंग से अच्छा है, वो इसी तरीके की. वो एक अच्छा सा किस्सा बता दो यार उसका, कोई इफ यू रिमेंबर. आई टेल यू वन मोर थिंग. हां उसके बारे में एक बात बताता हूं कि जब हम लोग यूपी में खेलते थे तो मैं वैसे बेसिकली पढ़ाई भी करता था तो खेलता भी था. आई वाजंट दैट स्ट्रांग, मतलब जब तक मैं कॉलविन सालों के दास में था तो बल्लू थोड़ा सा छेड़ते थे ये लोग. यूपी हॉस्टल्स के थे तो मुझे कभी कभी छेड़ते थे ये लोग. तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैं LNIP गया और मैं इंडियन टीम जूनियर टीम का कैंप भी किया 96 में मैंने. तो इट वॉज अ गैप ऑफ अराउंड 1 ईयर. तो वहाँ पे बहुत अच्छी सी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई साइंटिफिकली और मतलब लगा कि हाँ वी आर डूइंग समथिंग. तो आफ्टर ए ईयर 97 में मेरी डायरेक्ट मुलाकात हुई बल्लू से. तो बल्लू ऐसे ही जस्ट मजाक मजाक चल रहा था, बल्लू में ऐसे छेड़ता था तो बल्लू को मैंने पकड़ लिया दोनों हाथों से. बल्लू मतलब छुड़ा ही नहीं पाया उस चीज को. तो बल्लू बोला यार क्या यार चुकंदर का जूस पी के बहुत स्ट्रांग हो गया. तो बल्लू वॉज लाइक दैट की He was surprised कि यार ऐसा कैसे हो गया एक साल में. चुकंदर का इंसिडेंट है. बीटरूट को बोलते हैं ना चुकंदर. भदूरिया के मानने में अच्छे होंगे यार, एक लाइन में जो वो देता है बड़े प्यार से देता होगा. भदूरिया क्या बल्लू? भदूरिया. हाँ जी हाँ जी. वो भदूरिया तो होगा अगर बिल्कुल बिल्कुल. वो तो एक डेफिनेट आदमी था, बड़े जोक्स मारता था बीच बीच में. लेकिन एक बात है, भदौरिया वाज रियली गुड एट द बिगनिंग. ही वाज रियली गुड. वैसा टैलेंटेड प्लेयर नहीं देखा मैंने, मतलब राइट राइट. बिगनिंग में जब हम लोग स्टार्ट किए थे ही वाज रियली गुड. आई टेल यू मतलब उसका जो स्ट्रोक था, अटैक था उस समय, दैट वाज रिमार्केबल. पहले ही वाज डरता नहीं था किसी से भी यार, मतलब नहीं नहीं कोई मतलब नहीं, प्लेयर था मतलब सही मायने बिल्कुल बिल्कुल. आपने पुलिस ज्वाइन नहीं की, यू प्रेफर्ड ONGC? या पुलिस तो मैं नहीं ज्वाइन किया. एक्चुअली लगा था ऐसा कि हाँ थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए और मैं मास्टर डिग्री कर ही रहा था, बीपी कर रहा था, आपको मालूम भी है. तो आई थॉट कि हाँ चलो विल वेट फॉर अनदर 2-3 इयर्स. तो मैं कंटिन्यू किया अपनी स्टडीज और इन द मीनवाइल फिर ONGC का ऑफर था तो इससे ONGC ज्वाइन किया. गुड यार, गुड. के लिए अच्छा था क्योंकि वी हैव अ गुड टीम. ONGC का स्कोप बहुत अच्छा है. रियली आई एम रियली थैंकफुल टू ONGC की जो अपॉर्चुनिटी वो जो देती है प्लेयर्स को और जो मुझे भी दी. रियली थैंक ONGC की, उसने मतलब बहुत बहुत सारे खिलाड़ियों को सपोर्ट किया. लेकिन ऑन माय बिहाफ मैं जानता हूं कि मुझे कितना सपोर्ट मिला ONGC. सो व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट यू सुबा एंड अभिजीत, तीनों लोगों में क्या ऐसी चीज थी जो टीम को इतना लंबे समय तक ले गई? वॉज इट योर लाइक टीम को लेके अच्छा खेलना या कोई ईगो नहीं थी या फिर क्या क्या स्ट्रेंथ थी आपकी बेसिकली? स्ट्रेंथ एक्चुअली क्या मैं बताऊं तुम लोगों को कि आशीष आई टेल यू कि हम लोग बेसिकल सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा तीनों का कि हम तीनों ही सिंसियर थे ड्यूरिंग द गेम और इवन डिसिप्लिन पूरी दुनिया को मालूम है. तो ये एक कॉमन फैक्टर यही था कि वी वर सिंसियर और वी वर डिसिप्लिन तीनों. इससे बड़ी चीज और क्या चाहिए एक एलीट प्लेयर्स को कि एक साथ अगर हम लोग किसी टास्क पर लग जाते हैं. तो वो डेफिनेटली हम लोगों ने एक अच्छा टाइम निकाला. वी प्लेड इन UP और वी प्लेड इन ONGC, वी प्लेड इन उत्तराखंड और वी प्लेड इन इंडियन टीम. सभी जगह हम लोग एक जगह काम किए और इनफैक्ट अभी मैं और सुबह तो आप जान ही रहे हैं कि अभी हम लोग एज ए ऑफिशियल भी गुवाहाटी में काम कर रहे हैं ONGC के लिए और आसाम टीम के लिए भी. Hope for the good. और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि टीम बिल्ड हो. We'll try to make some more better teams and results. So basically you were the Ganguly Lakshman and Dravid of your Indian volleyball. या अपनी ONGC team. You can call. बिल्कुल बोल सकते हो क्योंकि जब हम लोग इंडियन टीम में भी साथ खेल रहे थे it's like good की और एक बार स्प्राइट की बात भी थी इंडिया ONGC के लिए भी कि हम लोग तीन एक साथ इंडियन टीम में है और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं. नहीं ऐसा कुछ नहीं. खासतौर से सुबह का जो अचीवमेंट था उसमें यू ऑल प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल.
या डेफिनेटली अब मैं तो बल्कि बोलता हूँ कभी सुब्बा से, मजाक भी करता हूँ और तुम्हारे थ्रू भी बताना चाहता हूँ सुब्बा को कि सुब्बा मेरा और अभिजीत का कंट्रीब्यूशन कभी मत भूलना। अगर हम लोग अच्छा फर्स्ट पास नहीं दिए होते तो तुम्हारे दो अवार्ड वैसे ही चले गए थे। जो स्कोरिंग और अटैकिंग का जो मिला है दैट इज बिकॉज ऑफ अभिजीत एंड माई सेल्फ, डोंट फॉरगेट सुब्बा। एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज उधर जो टॉम है ना वो ये बोलता है कि भाई मैं और सुब्बा वो स्कोर शीट देखते थे बुलेटिन, उसने इतना स्कोर किया मेरा एक पॉइंट पीछे मैं ज्यादा स्कोर करेगा। सो दैट गुड राइवलरी एक्चुअली हेल्प देम टू पुश ईच अदर। सो फाइनली सुब्बा डेफिनेटली एक्चुअली द होल टीम वाज वर्किंग, रियली बता रहा हूं आशीष, द होल टीम दैट टाइम वाज रियली वर्किंग हार्ड। मतलब अभी जो परसेंटेज निकालेंगे तो हमें लग रहा है कि सुब्बा वाज बेटर, इसीलिए उन्होंने स्कोरिंग में उसको अवार्ड मिला। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ अटैक्स की बात करेंगे, नंबर ऑफ उसकी बात करेंगे तो टॉम वाज इक्वली। उसमें कुछ क्रूशियल पॉइंट पे ऐसे ऐसे काउंटर अटैक्स थे, मतलब इट वाज मार्वेलस जहां से हम लोग मतलब निकले उससे बाहर। तो आप जब खेलते थे बेसिकली ड्यूरिंग योर प्लेइंग डेज, इफ यू हैव टू रेट, सो फर्स्ट थिंग आपको सबसे ज्यादा ब्लॉकर कौन परेशान करता? कुछ साइड ब्लॉकर्स का नाम जरूर लूंगा जो कि अपोनेंट टीम में थे, इवन अलग अलग पोजीशंस पे थे। मिस्टर अमीर सिंह जो एक मतलब एक कहा जाएगा कि हाँ एक मतलब बहुत ही स्टेबल प्लेयर रहे हुए हैं। वो तो काउंटर खेलते थे, यूनिवर्सल खेलते थे, वो पीछे में अटैकर ही। हाँ अटैकर, वो टू जोन, मैं टू जोन अटैकर भी था ना उस समय, मेरा एक पोजीशन टू जोन में भी आता था। तो रहते थे एक पोजीशन में। और अगर हम लोग इस पोजीशन से बात करते हैं तो इधर संजय रहते थे, तो संजय का भी एक मुझे लगा कि वेरी जीनियस टाइप ऑफ, लेकिन मैंने कभी बोला नहीं उसको क्योंकि सामने तो कभी नहीं बोलना है ना कि हम किससे क्या सोच रहे हैं। अब ये है कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आप बोल सकते हैं कि हम लोग थोड़ा कॉशियस रहते थे, हम लोग कॉशियस रहते थे। नहीं संजय सूबे सिंह का ब्लॉक, तो हरियाणा का ब्लॉक तो यार आउटस्टैंडिंग। दिनेश वाज अ गुड ब्लॉकर। हां दिनेश वाज अ गुड ब्लॉकर, इवन अमीर सिंह वाज देयर, और क्या बोलते हैं आपका दिनेश सूबे सिंह, संजय, जीतू वाज आल्सो गुड ब्लॉकर, और इवन रघुवीर सिंह वाज आल्सो बेटर, मतलब कम नहीं था वो भी ब्लॉक। तो ठीक है, अभी मैंने हम लोग देखे उस समय कि हाँ अच्छा गेम था वैसे वॉलीबॉल का जो हम लोगों ने एक अपोनेंट में खेला है, वी एंजॉयड अ लॉट। यार जब आपने रिजल्ट दिया था एशियन गेम्स में, जब फोर्थ आए थे हम लोग, तो चारों काउंटर हमारे उत्तराखंड और इधर के थे हरियाणा के, अमीर भाई, रघुवीर, आप और अभिजीत, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अभिजीत, हाँ जी चारों। हाँ इट वाज 2003 एशियन चैंपियनशिप जब हम लोग, तो हम लोग चारों इधर ही टीम के थे और दो हरियाणा के थे, दो उत्तराखंड के थे, ऐसे देखिए आपकी चारों लोग इधर ही टीम के थे। परफॉर्म्ड वेल आल्सो, बहुत अच्छा खेल लिया बिल्कुल चारों काउंटर्स जो हैं वो। तो आपने बताया कि आपको संजय थोड़ा परेशान करते थे, और साउथ का कोई साउथ वाले मतलब आ जाओ ऐसे ही देख लेंगे, कोई ज्यादा नहीं ऐसा था, ऐसा तो नहीं था कि आ जाओ देख लेंगे, बस वही फिर बात किया गया अगर मेरे को लग रहा है कि मैं फिट हूँ तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी के साथ। इनफैक्ट हाँ टॉम वाज आल्सो देयर, कि थोड़ा टॉलर ब्लॉकर थे वो टॉम, लेकिन हम लोग मैनेज कर लेते थे टॉम को। तो ये डबल में तो ब्लॉक हो जाएगा, सिंगल में डेड हो जाना तो नींद नहीं आएगी दो दिन तक। हाँ इसे डेफिनेटली नींद नहीं आएगी, इसीलिए बोल रहा हूँ मैंने 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 आशीष मिडिल ब्लॉकर्स का तो नाम ही नहीं लिया इसीलिए। जो सिंगल ब्लॉकर्स थे सेंटर ब्लॉक करता है तो ठीक है भाई उसका भी काम है, लेकिन अगर काउंटर यूनिवर्सल अगर ब्लॉक कर जाए तो भाई फिर तो नींद भी नहीं आती थी और फिर अपने आप से नफरत होने लग जाती थी कि क्या कर रहा है, क्या कर दिया मैंने। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि आप अगर कई सालों में दो साल में एक ब्लॉक सिंगल कभी होते हो तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप रेगुलरली अगर आप बीट हो रहे हो बार बार ब्लॉक करो सिंगल में तो इट्स नॉट गुड, आप अपने आप को लूज कर रहे हो कहीं ना कहीं। सबसे कोई ऐसा ब्लॉकर याद है जो मेरी हाइट का हो, 5-6 फुट 5-9-10 का, और उसने पड़ा हो आपको एक आधी बार, और आपको अभी तक याद है कि यार मैं वो ब्लॉक नहीं भूल सकता भाई, उसके बाद मैं कभी उसके हाथ नहीं लगा, कोई ऐसा ब्लॉकर याद है जिसने? मैं हाइट तो कम नहीं है लेकिन मैं एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। हम लोग एक यूपी का कैंप कर रहे थे, तो दैट वाज इन समवेयर आगरा में ऐसा कुछ था, तो मैं यूपी टीम का कैप्टन भी था, बलवान भी उस टीम में था। तो जब कैंप के टाइम एक मैच चल रहा था तो उसमें एक क्रॉस बॉल आया, आई टेल यू, तो क्या हुआ क्रॉस बॉल आया तो मैं तो सोचा कि इस बार तो इसको लगा दिया जाए अच्छे से, लेकिन पता नहीं क्या हुआ बलवान ने नीचे से हाथ लगाया और वो सिंगल हैंड से इतना खतरनाक ब्लॉक हुआ, मुझे तो थोड़ी सी शर्म आ गई, याद रह गया वो
वो बात तो याद रहेगी मुझे हमेशा, अभी भी याद आती है कभी कभी। तो अगर अविनीश यादव को अपने ऑल टाइम फाइव यूनिवर्सल अटैकर्स पिक करने हो, जब से वॉलीबॉल उन्हें देखा है और अभी तक, तो आप रेटिंग फ्रॉम वन, आप कौन से यूनिवर्सल अटैकर? रेटिंग जी हाँ बताइए। सुरजीत सिंह, हाँ। टॉम, ओके। संजय, हाँ। गुरविंदर सिंह, मैं ये पहली जनरेशन के पहले के बता रहा हूँ मैं अभी। फोर हो गए आपके। और फिफ्थ विल बी सिजास वाज आल्सो गुड। लेकिन अभी अगर हम अभी करंट की बात करते हैं, तो अगर हम पहले की बात करते हैं तो सिजास है। अगर हम करंट की बात करते हैं, अगर करंट प्लेयर्स में उसे भी लेना है किसी को, तो विनीत इज डूइंग गुड नाउ। ओके, ही इज डूइंग गुड नाउ। वेरी टफ फॉर यू नाउ, दिस इज सिंस यू इन द सेम पोजीशन, उसमें आप खुद को इंक्लूड नहीं कर सकते। ओके, तो फाइव ऑल टाइम ग्रेट काउंटर्स। हाँ, पहले तो एक्चुअली क्या पाली भाई के टाइम को हम इंक्लूड नहीं कर रहे थे, क्योंकि मैंने तो जो भी और इन लोगों से स्टार्ट किया, तो पाली भाई डेफिनेटली रहेंगे उसमें, क्योंकि हम लोग जो बचपन से ही उनको देखते आ रहे हैं, क्या रीच और पास और अटैक ब्लॉक एवरीथिंग एक्सेलेंट थी उनकी। तीन नाम आपके पास आ गए हैं अभी। कौन कौन? और उसके बाद पाली भाई आ गए, जोबी जोसफ आ गए, अमीर सिंह आ गए। ओके, और उसके बाद जो मुझे जो मोस्ट अट्रैक्टिंग प्लेयर लगता है, दैट इज रियली नवीन राजा। ओके, कंप्लीट प्लेयर, जो कंप्लीट प्लेयर लगता है। अगर एज ए कोच मुझे मौका मिले तो आई विल टेक अभी भी। एंड फिफ्थ, और एक नाम शायद हम मिसिंग है एट द सेम, मतलब जो नवीन जैकब राजा का जो रोल रहता है और क्वालिटी टीम प्लेयर सारी चीजों की बात करें, तो हम एक नाम मिस कर रहे हैं, मिस्टर विपिन केरला से। विपिन यार, he is also a team attacker, मतलब टीम प्लेयर है वो और रिसीविंग अटैकर है, he was also good. Now the setters आपके टॉप फाइव। कपिल, रविकांत रेड्डी, उग्र पांड्यन, रंजीत एंड मुथुस्वामी। ग्रेट, तीन बेस्ट लिब्रोज आपके। अगर हम लिब्रोज की बात करें तो जकमोला, अरुण जकमोला, तो ठीक है। और एक और दूसरा नाम मैं मनोज का डेफिनेटली लूंगा, कि हम लोग जो चिन चैंपियनशिप में जो मनोज के साथ जो हम लोग किए हैं, खेले हैं, ही वाज आल्सो वेरी गुड, उस समय काफी अच्छा खेला हूँ मनोज। और एक नाम और है किरण फिलिप का। ओके, केरला, तो केरला का वो भी अच्छा प्लेयर है। और एक जो नेशनल अभी केरला टीम में अंदर खेला, आई डिडंट रिमेम्बर हिज नेम यार, रदीस नाम है सर। ओके, आपने तीन पूछे, मैं चार बता रहा हूँ, लेकिन ही इज ऑल्सो गुड लीडर, जो मैं चाहता हूँ कि हाँ आगे आते हो। ग्रेट, सही है यार। चलो अभी थोड़े ना फनी क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। हाँ, आपके ओएनजीसी टीम में और इंडियन टीम में कौन सा ऐसा प्लेयर था जो नहाता नहीं था? आई डाउट साइड टॉम जोसफ। कौन सा प्लेयर बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस था? हाँ, आपकी टीम में जिसको आपने देखा हो, और क्या टोटका था उसका? शायद मनोज। मनोज वो कैसे हो सकता है यार? कौन सा प्लेयर अभी तक आपके ओएनजीसी में और इंडियन टीम में सबसे ज्यादा कंजूस है, जो पैसे नहीं निकालता बिल्कुल भी? ये क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट है। इसका आंसर अभी नहीं, आशीष बाद में। ये और आशीष ऑन योर पार्ट, इट इज रियली गुड यार कि तुम सबको इंटरेक्ट कर रहे हो और सबके व्यूज और सबको रिकॉल कर रहे हो उसकी मेमोरीज, बड़ा अच्छा लग रहा है। कुछ वीडियोस देखे मैंने तुम्हारे अभी पहले, इट इज रियली गुड थिंग। हाँ, बट आप आंसर नहीं देते यार, आपने बताया नहीं सबसे कंजूस कौन है। ये तो बात। चलो anyway, इसका आंसर या सो आई विश कि जिससे हम बात करेंगे वो शायद बता देगा। डेफिनेटली वो बता देगा, तो मैं भी वेट कर रहा हूँ कि वो किसका नाम लेते हैं। हां, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, स्टे हेल्दी। डेफिनेटली आशीष, एंजॉय योर टाइम विद योर फैमिली, पढ़ाई भी हो रही है साथ में, ठीक है? बिल्कुल, टेक केयर, थैंक यू सो मच यार।